हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपकी एडुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो बेटा सेशन है हमारा, वो है थ्योरम 6.6 का एक्सप्लेनेशन। खैर, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थ्योरम 6.6 जो है वो बेसिकली जो जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि हमें इस थ्योरम में कुछ ऐसा रिलेशन बताना होगा। किसका रिलेशन? एरियाज का, किसके साथ? सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ। ओके, तो ये हमारा बेस है, ये हम समझ सकते हैं कि ठीक है, अब इस थ्योरम में हमें ऐसा ही कुछ प्रूव करना है। तो बेटा, इस थ्योरम को आगे करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, सिमिलर ट्रायंगल्स। बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा दिया जाता है कि ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हैं, तो इसका यूज़ क्या? कुछ तो यूज़ होगा। तो इसका पहला जो रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट आता है वो पहला ऐसा आता है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स हैं ना वो हमेशा प्रपोर्शन में होते हैं। साइड्स आर ऑलवेज इन इक्वल प्रपोर्शन। ओके, इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब क्या मैम? देखो बेटा, अब साइड्स आर इक्वल प्रपोर्शन, इसका मतलब ये है कि जैसे ए बी साइड को मैं पी क्यू के रेशियो में ले लूँ, प्रपोर्शन मतलब कि रेशियो, ठीक है, प्रपोर्शन मतलब कि रेशियो। तो ए बी को मैं पी क्यू के रेशियो में ले लूँ, नीचे बी सी को क्यू आर के रेशियो में ले सकते हैं, और ए सी को हम लोग पी आर के रेशियो में ले रहे हैं। तो ये जो साइड्स को हमने रेशियो में लिया वो कैसे होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। लेट्स टेक एग्जांपल कि ए बी जो है वो समझ लीजिए कि वो है हमारा 4 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर 3 सेंटीमीटर बनाया, और ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर। डन। अब अगर इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखिए, ए बी में 4, पी क्यू में 2, बी सी में 6, क्यू आर में 3 एंड ए सी में 10 और पी आर में 5। अगर हम कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। इसका मतलब कि इन सब का आंसर क्या आया? 2 2 2। क्लियर हुआ बेटा? 2 2 2। इसका मतलब क्या है कि दो द साइड्स आर डिफरेंट। ओके, साइड्स अलग अलग हैं, पर अगर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं तो उनका रेशियो हमेशा इक्वल आता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यही रिज़ल्ट आपको थ्योरम 6.6 को प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोबारा मैं बता दे रही हूँ, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, आपको दिया गया हो, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पहला जो रिज़ल्ट रहेगा वो रहेगा साइड्स आर ऑलवेज इन इक्वल प्रपोर्शन और इक्वल रेशियो। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इन इक्वल रेशियो। दूसरा रिज़ल्ट, सेकेंड रिज़ल्ट इसका होता है दैट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, जैसे कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल क्यू और एंगल बी इक्वल होंगे एंड एंगल सी और एंगल आर इक्वल होंगे। ओके, सो दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये दो रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट मैं दोबारा कह दे रही हूँ, साइड्स आर ऑलवेज इन इक्वल प्रपोर्शन, एंड सेकंड रिजल्ट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यही रिजल्ट्स आपको एक्चुअली पूरे चैप्टर में यूज़ करने होते हैं जब भी आपको ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हों। तो अगर आपके पास ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब हम लोग चलते हैं थ्योरम की ओर। सो थ्योरम 6.6 का एम क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। एम इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको कुछ हेल्प के लिए क्लू दिया होता है, और आपको क्या रिलेशन निकालना है और या तो फिर क्या प्रूव करना है। तो आइए हम लोग एम को अच्छे से समझते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ दीज एरियाज, रेशियो लेना है किसका? रेना
रेशियो लेना है किसका, ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं हम लोगों को, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जो सिमिलर हैं। अब ये वाली चीज़ जो है आपको, जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो आप क्या रिजल्ट्स ले सकते हो, तो देखो आपको साफ साफ कहा गया है कि आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप उन रिजल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, हम एक बार स्टेटमेंट दोबारा रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ दीज एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, इक्वल है किसके इक्वल है, टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके साइड्स का अगर हम रेशियो लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर उनके एरिया से इक्वल आएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। अभी हम क्या करते हैं, एक फिगर बना देते हैं और फिर उस फिगर के रेस्पेक्टिव में हम यहाँ पे बता देंगे कि क्या क्या प्रूव करना है। ये रहे फिगर्स बेटा, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो मैंने ट्रायंगल बना दिए। अब हम लोग साथ साथ में क्लू लिखते जा रहे हैं, क्लू मतलब कि गिवन, हमें दिया क्या हुआ है। सो लेट्स राइट गिवन, क्या कहा है आपको यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ गिवन में दो सिमिलर ट्रायंगल्स ही दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वी आर गिवन विथ, गिवन विथ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है, ओके। अब क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव हम देख लेते हैं, क्या प्रूव करने को कहा गया है, द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरियाज, अब एरियाज किसके हैं, ट्रायंगल्स के हैं, क्या लेना है रेशियो, मैं रिपीट करूँ सुनो, क्या लेना है रेशियो, किसका रेशियो लेना है, एरियाज का, किसके एरियाज का, ट्रायंगल के एरियाज का। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसके साथ रेशियो में क्या लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, तो इक्वल टू की साइन आ गई, ओके, टू द स्क्वायर, किसका स्क्वायर करना है, रेशियो का, किसके रेशियो का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी के साथ पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिया, उनका हमें क्या करना है, स्क्वायर, ओके। तो उस तरीके से बाकी सारे साइड्स भी आ जाएंगी, तो बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमें ये प्रूव करना है, क्लियर बेटा। अब हम स्टेटमेंट गिवन और टू प्रूव एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया लेना है, उन एरियाज का हमें रेशियो लेना है, इज इक्वल टू, जो इक्वल है किसके इक्वल है, टू द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ किसका, रेशियो का, रेशियो किसका, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके। तो हमें यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है और हमें एरियाज लेकर उनके साइड्स का रेशियो जो है वो प्रूव करना है। आई होप बेटा आपको स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा देखो हमें क्या बोला है, हमें इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम लोग रिकॉल करें, अब तक हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट और एल्टीट्यूड कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो एरिया निकालने का हमारे पास एक यही फॉर्मूला है। तो ट्रायंगल तो है हमारे पास, अब ट्रायंगल की साइड्स जो होती है वो बेस का ही काम करती हैं, बट उसके लिए हमें एल्टीट्यूड चाहिए। तो हमें काम कर रहे हैं, हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल में बना देते हैं एल्टीट्यूड। तो आइए यहाँ पे मैंने बना दिया, लेट्स से ए एम परपेंडिक्यूलर, ओके, और दूसरा मैंने बना दिया पी एन परपेंडिक्यूलर। अब कंस्ट्रक्शन किया है तो थ्योरम है, हर एक चीज़ बतानी पड़ती है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्या किया हमने, लेट्स ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमने ए एम बनाया, परपेंडिकुलर किसके, साइड बी सी के, तो हम लोग इसके लिए बी सी लिखते हैं। जहाँ पे परपेंडिकुलर टच करता है ना, वो साइड के वहाँ पे उसका 90 बनता है और वही साइड बेस कहलाती है, तो वहाँ पे हमने बी सी लिख दिया इसकी तरफ, और इसके यहाँ पे हमने क्यू आर लिख दिया। क्लियर, तो अब हम चलते हैं हमारे प्रूफ की ओर। अब देखो बेटा, प्रूफ करने के लिए एक बार टू प्रूफ दोबारा देख लेते हैं। क्या है टू प्रूफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के रेशियो में लेना है। तो क्या चाहिए, एरिया, एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम वही कंसिडर कर लेते हैं अभी। तो अब हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। अब आप देखो तो ए बी सी में ये हाइट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, तो जहाँ पे जिस साइड पे एल्टीट्यूड टच करते हैं उसको हम कहते हैं बेस। तो ये क्या हो गया बी सी पूरा, ये पूरा बी सी हो गया बेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू ए एम। सिमिलरली हम लोग चीज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए, तो उसके लिए हाफ इंटू, अब ये हो गया इसका बेस क्यू आर, क्यू आर इंटू पी एन, डन। अब देखो बेटा क्या लेना है, इसका रेशियो लेना है, तो इनको हमें रेशियो में करना है, तो इनको रेशियो में कर लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल कर लें, सो वी आर लेफ्ट विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। ओके, अब इसको ब्लॉक कर लेते हैं हम लोग और इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। क्लियर, अब देखो बेटा एक बार टू प्रूफ दोबारा हम देखते हैं। सो क्या प्रूफ करना है हमें, रेशियो लेना है, तो हमने वो रेशियो ले लिया। देखो यहाँ पे इन्होंने रेशियो कहा है, तो हमारा भी रेशियो आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि साइड्स का जो है वो स्क्वायर लेना है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, तीनों में से अगर एक भी साइड हमने बता दी तो बाकी की दो तो हम इजीली फिर बोल सकते हैं कि वो इक्वल टू में है। कैसे वो बताऊंगी मैं आपको। तो अब यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए किसी भी एक साइड का। अगर मैं टू प्रूफ को कंपेयर करूँ मेरे फर्स्ट रिजल्ट के साथ, तो क्या आ रहा है कि बी सी अपॉन क्यू आर, तो देखो बी सी अपॉन क्यू आर है, यस, तो मुझे इतना तो मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पर ए एम अपॉन पी एन है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि मुझे ए एम अपॉन पी एन को रिप्लेस करना होगा। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि इसको कहाँ से रिप्लेस करें, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से गिवन में, क्योंकि क्लू के बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखते हैं हमें क्या क्लू दिया हुआ है। अब अगर गिवन में देखो तो गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल्स सिमिलर, उसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब हमें सिमिलरिटी वाला जो रिजल्ट मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वही वाला रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना होगा। बिकॉज फर्स्ट रिजल्ट आने के बाद अब हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि गिवन जो हमें दिया हुआ है क्लू उसका ही यूज़ करके हमें इसको आगे प्रूव करना होगा। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। लिख देते हैं हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इट इज़ गिवन, सो देयर फोर साइड्स रेशियो में होती हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। एक हमने ये रिजल्ट ले लिया, इसको नंबर टू दे देते हैं। और दूसरा हमें पता है क्या कि साइड्स तो प्रपोर्शन होती है एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इसको हम नंबर थ्री दे देते हैं। अभी भी इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ यहाँ पे। ओके, अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ए एम अपॉन पी एन को हटाना है, और ना तो मुझे इस गिवन के थ्रू ऐसा कुछ समझ आया और ना ही मुझे इसके थ्रू कुछ समझ आया। कोई बात नहीं, हम फिगर को दोबारा देखते हैं। देखो बेटा, अब फिगर के अंदर हमें यहाँ पे ए एम नज़र जब आ रहा है,
तो बेसिकली तो ए बी सी पूरा फुल ट्रायंगल है। अगर मैं ए एन को कंसिडर करूँ तो मेरे पास ये हाफ ट्रायंगल आ रहा है, और यहाँ पे पी एन को कंसिडर करती हूँ तो एक और हाफ ट्रायंगल आ रहा है। हम क्या करेंगे, इन हाफ ट्रायंगल्स को लेंगे। तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ओके, अब इनके बीच में हम लोग कहेंगे सिमिलरिटी। तो बेटा देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से। अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने पहले ही बता दिया कि ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। यहाँ पे हमने ये बताया हुआ है द ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल क्यू। तो एक तो हम लोग ये वाला क्राइटेरिया ले सकते हैं द ट्रायंगल बी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल क्यू, बिकॉज थ्री थर्ड नंबर में हमने इसको बता दिया है। दूसरा देखो, हमने यहाँ पे बनाया था परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कि एंगल एम और एंगल एन ये दोनों कैसे होंगे, 90 ईच। सो एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन 90 डिग्री ईच। तो ये दो ट्रायंगल्स आ गए, तो हम लिख सकते हैं बाय ए ए रूल, मतलब एंगल एंगल रूल, ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ओके, सिमिलर हो गया। नाउ एज वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी एम इज सिमिलर टू पी क्यू एन, तो हम इनके साइड्स के रेशियो को ले सकते हैं। तो इनका जो साइड्स का होगा रेशियो वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर ए एम अपॉन पी एन, मतलब हाइट हाइट को मैंने रेशियो में ले लिया, और ए बी अपॉन पी क्यू। इसको हम नंबर फोर दे देते हैं। नाउ सी बेटा, अब है बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज़। मेन तो हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन वन था, तो ए बी सी और पी क्यू आर रेशियो में है। ओके, बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन है, हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना था। तो अब देखो बेटा, अगर मैं इक्वेशन फोर लेती हूँ यहाँ पे, तो ए एम अपॉन पी एन की जगह पे मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करके ए एम अपॉन पी एन की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख दूँ। अगर मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, तो फिर भी यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर है, ठीक है, तो मुझे इसको भी चेंज करना होगा ए बी अपॉन पी क्यू में। तो अगर बी सी अपॉन क्यू आर को मैं चेंज करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि बी सी अपॉन क्यू आर और ए बी अपॉन पी क्यू कैसे हैं, इक्वल है। हालांकि तीनों साइड्स इक्वल है, बट मैं इसको ब्लॉक इसके लिए करूँ ताकि आपका नज़र पड़े कि हम किन साइड्स को ले रहे हैं। सो टेकिंग इक्वेशन वन जो ये है हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। ओके, तो अब मैं बी सी और क्यू आर को रिप्लेस कर दूँ ए बी अपॉन पी क्यू से, बिकॉज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए एम अपॉन पी एन, बिकॉज टू में हमने रीज़न दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे सिमिलरली हम ए एम और पी एन को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए एम अपॉन पी एन को रिप्लेस कर सकते हैं हम ए बी अपॉन पी क्यू से, इक्वेशन नंबर फोर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू, कैसे, नंबर फोर में बताया हुआ है हम लोगों ने। तो देयरफॉर फाइनली हमारे पास आ गया ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, डन। अब देखो बेटा जो प्रूव करना था, तो हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू आर रेशियो में इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ तक तो प्रूव कर लिया, अब ये दोनों साइड्स भी प्रूव करनी है। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिजल्ट ले सकते हैं ये वाला। देखो बेटा, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, तो इनका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ
तो इनका स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। तो अगर मैंने ये चीज़ को प्रूव कर लिया तो बाकी दोनों चीज़ भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई, हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन टू। ओके, इक्वेशन टू के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे तो मैं नीचे लिख देती हूँ, ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? सो बेटा अच्छे से आप ये थ्योरम समझिए, लिखिए, अगर डाउट लगता है तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिए, फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछिए, आपके जो भी क्वेरीज होंगे मैं पूरी उन क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। थ्योरम को लर्न करने का आसान तरीका कैसा है बेटा, आप इसको तीन सेक्शन में डिवाइड कर लो। कैसे? देखिए, पहला सेक्शन आप एम गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और फिगर, इतना पोर्शन ले लो, इतना आपका क्लियर हो जाए, अच्छे से लर्न करके उसको एक बार बिना दिखे आप लिखो, ठीक है? तो इतना जब क्लियर हो जाए उसके बाद आप आओ प्रूफ की ओर। जैसे आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ में जैसे आपका इक्वेशन नंबर 3 तक, ओके, यहाँ तक ख़त्म हो जाए, इतना करके आप इसको लिख दीजिए, उसके बाद फिर एक फाइनल सेक्शन जो रहेगा आपका हैंस प्रूफ तक वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पूरे थ्योरम को तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, एक तो गिवन टू प्रूफ, टू प्रूफ की तरफ कंस्ट्रक्शन फिगर, और प्रूफ को आपने और दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक फाइनल रिजल्ट। तो इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में लिखोगे ना बेटा तो आपको याद रहेगा कि कंटिन्यूटी कैसे कैसे है। तो इसमें क्या होगा कि आपका मिस्टेक नहीं होगा कि आपने सोचा कि अच्छा मेरा फर्स्ट फेज खत्म हो गया अब हम चलता हूँ सेकंड फेज पे, ठीक है सेकंड फेज खत्म हो गया तो अब हम चलते हैं थर्ड फेज पे। तो इस तरीके से आपका थ्योरम लर्न भी हो जाएगा, आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हम और अच्छा बेहतर बन सकें और अच्छे से और पढ़ा सकें, हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। कि फ्रेंड्स को प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय, टेक केयर।